नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। समस्तीपुर में राष्ट्रीय जनता दल के दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और रोसड़ा विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र से भावी विधायक प्रत्याशी सतविंद्र पासवान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, देखिए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब आ चुका है और तमाम जितने भी पार्टियां हैं सब अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार है। और बिहार में आप जान रहे हैं कि महागठबंधन जो है वो पूरी तरह से पूरे एक नए अंदाज में इस बार चुनाव लड़ेगी और राजद, खासकर जो राष्ट्रीय जनता दल है और तेजस्वी यादव जिसके नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन के जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, उसमें राजद और मैं इस वक्त रोसड़ा में हूँ जो सुरक्षित सीट यहाँ पे है। और मैं आपको बता दूँ, ये सुरक्षित जो सीट है इससे पहले कांग्रेस से अशोक राम हुआ करते थे और अब देखना है महागठबंधन जिसको समर्थन कांग्रेस कर रही है और यहाँ सुरक्षित सीट है तो इस बार अब देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी, क्या अशोक राम जी को फिर से यहाँ से कोई रोसड़ा से टिकट मिल पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल जो अपना दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हैं रोसड़ा से राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी कर्मठ नेता है सतविंद्र पासवान जी। आइए हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं HBN न्यूज़ चैनल पे। धन्यवाद आपको। सर, क्या कहना चाहेंगे, अब बिहार में विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब आ चुका है और आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल वो काफ़ी जोर से यहाँ पे तैयारी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की तैयारी कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में इस बार हम लोगों का तैयारी इस प्रकार है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं पूरे महागठबंधन के लोग निर्णय लिया और उस तरह जो है हम लोग पंचायत स्तर तक जो है संगठन को मजबूत किए हैं और बूथ स्तर का कमेटी बनाए हैं ताकि आज तक कभी इस तरह का कोई पार्टी नहीं किया है, वो हम लोग किए हैं, राष्ट्रीय जनता दल किए हैं। और इसलिए हमारा तैयारी जो है बिहार में जो भी महागठबंधन का उम्मीदवार होंगे उस उम्मीदवार को तमाम लोग मिलकर जो है उसको जिताने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा। और आने वाला समय में बिहार का बागडोर राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में यानी माने महागठबंधन के हाथ में आएंगे और उसका मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। अच्छा, तो यहाँ रोसड़ा से अशोक राम जी जो विधायक वर्तमान में है भी और वो कांग्रेस से है और कांग्रेस महागठबंधन को समर्थन कर रही है तो इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे, आप भी यहाँ से जानकारी पेश कर रहे हैं राजद से, राजद के टिकट के लिए? सवाल ये है कि हम लोग राष्ट्रीय जो पार्टी है महागठबंधन में, जो पार्टी महागठबंधन में है वो तमाम पार्टी का जो केडर है, जो साथी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपने अपने पार्टी दफ्तर में वो बायोडाटा जमा किया है, उसी प्रकार हम भी किए हैं। अच्छा। और रोसड़ा का जो रूपरेखा है कि लगातार रोसड़ा जो है RJD का सीट रहा है, महागठबंधन में डॉक्टर अशोक बाबू आए और महागठबंधन से MLA बने। अभी का जो हालात है, अभी के जो हालात है रोसड़ा विधानसभा का, कार्यकर्ता द्वारा, मतदाता द्वारा जो संगठन मजबूत, जो संगठन महागठबंधन के चलते हमारे सहयोगी दल का उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं और लगातार हम लोगों को राष्ट्रीय जनता दल का कर्तव्य बनता है कि सहयोगी दलों का जिताना। लेकिन अभी का जो चुनाव है इस बार जो है इस बार आर पार का चुनाव है, क्योंकि हमको महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनाना है तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक भी सीट लूज नहीं करें। जहां हमारा जो है सर्वे हुआ है, जहां सीट लूज करने की स्थिति में है, जहां महागठबंधन की सीट है, कांग्रेस की सीट है, यदि मान लीजिए वह लूज करने की स्थिति में है तो हमारा नेता उसमें विकल्प निकाला है कि हम कांग्रेस की सीट को निकालेंगे, जो हमारा उम्मीदवार कांग्रेस को कहाँ जीत पाएंगे वहाँ ताकि हम दे ताकि उस सीट को भी निकाल लेंगे और जहाँ हमारा उम्मीदवार जीतने वाला होगा उस सीट को निकालेंगे। इसलिए रोसड़ा विधानसभा RJD का वर्कर पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक वो चाहते हैं कि RJD की सीट हो और RJD का कोई उम्मीदवार आएंगे तो उनको जिताएंगे। अच्छा, आपने जो कहा कि NDA की जो सरकार है वो ठगने का काम किया,
और बीजेपी और एनडीए की सरकार कह रही है कि हमने लॉकडाउन में कोरोना के समय में हमने काफ़ी लोगों को मदद किया, जैसे अभी ले लीजिए कि राशन बोल रहे हैं कि राशन हमने दिया फ्री में, उसके बाद लोगों को पैसा भी दिया, वो बोल रहे हैं कि हमने काम किया। सवाल ये है, मैं आपको कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, राशन जो बोल रहे हैं दिया गया है, उस राशन को आप देख लीजिए, वह राशन जो है खाने आदमी को खाने वाले हैं कि जानवर को खाने वाले हैं। जो राशन जो है आदमी जो है खाता है चावल, वह चावल अरवा चावल क्या है, उसमें एकदम पिल्लू लगा हुआ है, उसमें सूरा खाया हुआ है, वह जो है लाता है तो पब्लिक खाता नहीं है। आप इस बात को आप पत्रकार महोदय है आप जानते हैं, आप धरातल के लोग हैं, जो लोग बेचने वाले लोग आता है बदलने वाले लोग होता है, जनता जो है राशन को जो है उसके साथ बदल के खाता है, यही मान लीजिए काम किया है। जनता नहीं देख रही है कि हमको जानवर से तुलना किया है। जो है सपना है, बोल रहे थे कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे जी, और अभी जो देश में स्थिति है, जैसे लोगों में एक आक्रोश है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, और जब कोरोना आया, कोरोना के बाद और बेरोजगारी बढ़ गया है। सवाल ये है कि यह जनता साक्षी है कि जब कोई भी आदमी अस्वस्थ हो जाता है तो डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं मेरे पास दवा नहीं है, कोरोना का दवा है ही नहीं। तो आप मान के चलिए आपके पास डॉक्टर वो उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, तो आपका कौन सी व्यवस्था है? स्वास्थ्य व्यवस्था आपका पूरा गिरा हुआ है। कोरोना महामारी में आपको सैनिटाइजर है, मास्क का व्यवस्था करके आपके वार्ड में लोगों को देना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप जो है कह रहे हैं कि लॉकडाउन के तहत ये हुआ, ये तो खासकर गरीब आदमी जो है तंग हो गया है, बाल बच्चा को उसका पढ़ाई बाधित है। जो आदमी अमीर लोग है बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, वो खाएगा क्या, ट्यूशन क्या पढ़ाएगा, यही सवाल है। अब जब बिहार में चुनाव हो गई तो महागठबंधन में सीटों की बंटवारा हुई है? अभी बिहार में जो है महागठबंधन के सीट की बंटवारा नहीं हुई है, लेकिन आपस में जो महागठबंधन के नेता लोग हैं उनकी तालमेल है। कितने सीटों पे आपके पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन की पार्टी, हम लोग महागठबंधन के तहत हैं, आरजेडी जो है बड़ी पार्टी है, तो मेल मिलाप करने के बाद जो महागठबंधन का शेयर मान लीजिए आपस में विचार करने के बाद आरजेडी बड़ी पार्टी है, तो सबसे अधिक सीट पर जो है आरजेडी लड़ेगी। अब सवाल यह है कि जब महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो जाता तब क्लियर पता चलता है। हम वैसे बोल दें, अब हो सकता है कि हमारा कहना सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन का अभी कहीं फाइनल नहीं हुआ है कि हम लोग क्या करें। लेकिन ये बात है कि महागठबंधन में जो भी नेता लोग हैं, हमारा ये माननीय लालू प्रसाद यादव का जो है पुत्र प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वो लगातार सब लोगों के संपर्क में हैं कि हम लोग इस तरह का सीट शेयरिंग करें ताकि आपस में कोई मतभेद न हो, अनु आपस में कोई विवाद। तो महागठबंधन में अब पप्पू यादव का भी आने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, सवाल ये है, ये तो मान लीजिए नेतृत्व पर निर्भर, जो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, वह नेतृत्व का सवाल है और नेतृत्व पर वह निर्भर है, उनकी अधिकार की बात हम नहीं बोल सकते। तो ये तो बिहार की बात हुई, समस्तीपुर जिला में कितने सीटों पे आपके पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, सवाल ये है कि यहाँ तो 10 सीट है, तो 10 समस्तीपुर जिला में 10 विधानसभा सीट है, ठीक, और 10 विधानसभा सीट है तो तीन गो जो है तीन गो पर आरजेडी पहले से तीन गो है, एक उजियारपुर है, एक समस्तीपुर है, एक मोहदी नगर है, ठीक। अच्छा, आप राष्ट्रीय जनता दल में कितने दिन से सक्रिय हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में हम जो है लगभग 12 साल से हैं, 12 साल से राष्ट्रीय जनता दल में हैं, और अभी जो है दलित प्रकोष्ठ के हम जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो चलते चलते मैं एक सवाल और आपसे पूछ लूँ, तो बीजेपी अभी कह रही है कि हम 220 सीटों पर जीतेंगे बिहार में। देखिए, बीजेपी कह रहे हैं 220 सीट पर हम चुनाव में जीतेंगे, जीतने का दावा कर रही है। दावा जो वो कर रहे हैं, सबसे पहले एनडीए का घटक दल जदयू यूनाइटेड है और लोक जनशक्ति पार्टी है, तो अभी जो है इन लोगों को घमासान हो गया है लोक जनशक्ति पार्टी से और यूनाइटेड से,
तो उसमें जो है बीजेपी तो मान लीजिए किसी लोगों को तो मान लीजिए बीच में ला के ये मामला फंसा के रखे हुए हैं, तो ये तो जनता जानती है। जनादेश हम मान लीजिए हम यदि चुनाव हमारा पार्टी लड़ रही है तो लोग को दावा करना, अभी बीजेपी जो दावा कर रहे हैं कि 220 सीट पर लड़ेंगे नहीं जीतेंगे, 220 सीट पर जीतेंगे, वो तो जनता के हाथ में, किसी नेता का दम नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दम नहीं है कि जनता का अधिकार को अपने हाथ में लेके बोल देना, वह जनता का अधिकार है, जनता का जनमत जनता के पास है, वह वक्त आ गया है चुनाव में, वह बोल रहे हैं 220 सीट पर लड़ेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जनता का जनादेश का मान लीजिए हम क्या कहते हैं कि हड़पना बड़ी मुश्किल है, इसलिए जनता का जो जनादेश है वह सबसे बहुत बड़ी चीज है, और वह जनादेश जो है वह मतलब किसी के हाथ का सवाल नहीं है, पर तो जनता निर्णय करेगी ना। तो ये रोसरा से जो सुरक्षित सीट है उसके प्रबल दावेदार है भावी विधायक उम्मीदवार जिसे कहा जाए वो है श्री समित पासवान जी, सतबिंद पासवान जो राष्ट्रीय जनता दल के ये जिला अध्यक्ष हैं, महादलित प्रकोष्ठ के SC ST प्रकोष्ठ के ये जिलाध्यक्ष हैं। इन्होंने अपना दावेदारी को पेश किए हैं कि हम जनता का मांग है इस बार उजियारपुर क्षेत्र से रोसरा क्षेत्र से। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं मुकेश कुमार, SBN न्यूज समस्तीपुर। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे SBN न्यूज।